In last lecture, we have discussed few formulas. We will recap it fast. So pH is the negative logarithm of hydronium ion concentration. So it is equal to minus log hydronium ion concentration. And pOH is the negative logarithm of hydroxyl ion concentration. So it is equal to minus log hydroxyl ion concentration. pH plus pOH is equal to pKW. And the value of pKW is 14 at 25 degrees centigrade. Now the question is how we will calculate pKW. So it is equal to minus log kW. kW is the ionic product of water. It is the ionic product of water. And how we will calculate it? It is equal to the product of hydronium ion concentration and hydroxyl ion concentration, and the value of kW is 10 to the power minus 14 at 25 degrees centigrade, right? There is one another formula for kW. So if Ka and Kb is given in your numerical, so you can calculate it like as, right bacho? Now I would like to discuss two more formulas in this lecture. So for weak electrolyte, for example, I am taking a weak acid and I want to calculate pH for this. So pH will be equal to 1 by 2 pKa minus log C. How will you calculate pKa? pKa is the negative logarithm of Ka. एंड के ए क्या है ये आपको पता है, ये आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट है एसिड के लिए. सी क्या है यहाँ पर? सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड. बहुत सिंपल है, इसके न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ फॉर वीक बेस, पीओएच इज इक्वल टू 1/2 पीकेबी माइनस लोग सी. अगेन सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ weak base. And how will you calculate pKb? So pKb is equal to minus log Kb. And what is the Kb? Kb is the ionization constant for weak base. Right bacho? So I am Dr. Neha Singh and you are watching my channel Chemistry Classes by Dr. Neha Singh. For more videos and information, like, subscribe and share my channel. तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं. तो बच्चों तैयार हो न्यूमेरिकल करने के लिए? बहुत आसान सा मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है जिसमें आपको 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन दिया है. इसकी आपको pH निकालनी है. pH का फॉर्मूला क्या होता है? pH इज इक्वल टू माइनस लोग हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. अगर आपको ये पता चल जाए तो आप बहुत आसानी से pH निकाल सकते हैं. और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? HNO3, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगी. तो जो कॉन्सेंट्रेशन आपने यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन HNO3 की दी है वही आपका H+ की हो जाएगी, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगी. तो स्टार्टिंग में आपने इतना लिया, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया और ये क्या बनेगा? माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 इतना मोलर आपका हाइड्रोजन आयन बनेगा और सेम कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रेट आयन की होगी. क्लियर? तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गई. तो इसको आप फॉर्मूले में रख लेंगे, इज इक्वल टू माइनस लोग 10 टू द पावर माइनस 2. सॉल्व कर लेते हैं इसको. शायद लोग निकालना आपको आता भी होगा, और बच्चों अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगी. एक छोटी वीडियो बना के मैं उसमें डाल दूंगी. लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू 2. लोग m टू द पावर n का सॉल्यूशन होता है n log m. ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसी के बेस पर हमने यहाँ पर सॉल्व किया है. ये NCERT का एक सॉल्व एग्जाम्पल है जिसमें दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैम्पल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज इतना मोलर, व्हाट इज इट्स पीएच. अगेन
आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पीएच का फॉर्मूला लिखना है, माइनस लोग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। बहुत आसान है, इसमें तो उन्होंने आपको वैल्यू भी दिया है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की, तो आप रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम अभी टाइम नहीं लगाएंगे, अगर फिर भी आपको लॉग में इशू है तो मैं आपको अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, लॉग एम टू द पावर, लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन लॉग एम। और अगर आप लॉग एम इंटू एन क्या होता है, इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, इससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन फॉर्मूले से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस बाहर रखते हैं, ये हो गया m इंटू एन, तो आपका हो जाता है log 3.8 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, माइनस 3 log 10 हो जाएगा ये, और ये आपका log 3.8, राइट। और जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए, लॉग 10 की वैल्यू 1 होगी तो 3 इंटू 1 मतलब 3 हो जाता है, माइनस 3, माइनस का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से ये निकलता है क्या, 3 माइनस लॉग 3.8। लॉग 3.8 का आप वैल्यू निकाल लेंगे और 3 में से माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी, एंड इट इज़ 2.42। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोल्यूशन इज फाउंड टू कंटेन 0.63 ग्राम ऑफ HNO3 पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, वॉट इज द pH ऑफ सोल्यूशन इफ द एसिड इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। आपको 100 ml सोल्यूशन दिया है जिसमें 0.63 ग्राम HNO3 को डिजोल्व किया है, आपसे पूछा है कि इस सोल्यूशन का pH क्या होगा और एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका उतना ही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, दैट मीन्स आपको इसकी मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी निकाल लेते हैं इसकी, आपको पता होगा मोलरिटी कैसे निकालते हैं, मोलरिटी कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, गिवन मास कितना है 0.63 ग्राम, और इसका मोलर मास होता है 63, इतना ग्राम पर मोल होगा बच्चों, एंड इसका वॉल्यूम दिया है 100 ml, तो इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 1000 इन अपोजिट साइड, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इट इज इक्वल टू 6.3/63 इज इक्वल टू 0.1, इतना मोलर सॉल्यूशन आया। इसको आप 10 टू द पावर माइनस 1 मोलर भी लिख सकते हो। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि HNO3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 इज 10 टू द पावर माइनस 1 मोलर। कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, 10 टू द पावर माइनस 1 मोलर होगी। अब आप बहुत ईजिली pH के फॉर्मूले में इसको रखकर कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये क्या होगा, माइनस लोग 10 टू द पावर माइनस 1, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस 1 लोग 10 टू 10 इट इज इक्वल टू 1, सिंपल। सो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन थे, पीएच का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आगे हम और बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2 भी हम टच करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।